जब रावण की बेटी को हो जाता है भगवान हनुमान जी से प्रेम, ये कथा थाईलैंड के राम कियेन नामक एक रामायण में मिलती है। कहते हैं रावण की पुत्री का नाम स्वर्णमक्षा था, यह देखने में अति सुंदर थी, इन्हें सोने की जलपरी भी कहा जाता था। यह उस समय की बात है जब राम जी की सेना लंका में जाने के लिए समुद्र पे सेतु का निर्माण कर रही थी। जैसे ही वह पत्थर समुद्र में जमाते थे, कुछ देर बाद वह पत्थर अपने आप गायब हो जाता था। यह एक पत्थर नहीं हजारों पत्थर के साथ हो चुका, जिसके बाद भगवान हनुमान जी बहुत चिंतित होते हैं और इस घटना का पता लगाने के लिए भगवान हनुमान जी समुद्र में जाते हैं और वो देखते हैं जल में रहने वाले प्राणी इन पत्थरों को कहीं ले जा रहे हैं। तब भगवान हनुमान जी इन सभी का पीछा करते हैं और देखते हैं एक मत्स्य कन्या इन सबकी नेता है। तब भगवान हनुमान जी उस कन्या को चुनौती देते हैं, लेकिन वह कन्या भगवान हनुमान जी को देखकर उनपे मोहित हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों समुद्र के किनारे आते हैं। तब भगवान हनुमान जी उनसे पूछते हैं, हे देवी आप कौन हो? तब वो बताती है, मैं रावण की पुत्री हूँ। जिसके बाद हनुमान जी उस कन्या को समझाते हुए रावण की बुराइयां बताते हैं और समझाते हैं कि हम ये पुल अच्छे कार्य के लिए बना रहे हैं, जिसके बाद स्वर्णमक्षा हनुमान जी को सारे पत्थर वापस कर देती है। कहते हैं इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम मैक चनु था। भगवान हनुमान जी के भक्तों आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हनुमान लिखें।